फ्रेंड्स, यहाँ टिंडा आलू की सूखी सब्जी हमने तैयार कर लिया है और आपको घुमा कर दिखा रहे हैं चारों तरफ से। बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट बना है। हल्का फुल्का मसाला देकर इसे चटपटी बना लिए हैं। आप भी तैयार कीजिए, गर्मी की सब्जी है तो बनाना तो बनता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं रूपा हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ टिंडा आलू की सूखी सब्जी, जो खाने में बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट होता है। स्वादिष्ट के साथ साथ ये हमारे शरीर के लिए टिंडा काफ़ी फायदेमंद होता है। गर्मी की सब्जी है और स्पेशली गर्मी में ही ये टिंडा मिलता है, तो बनाकर खाना बनता है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी समय मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आधा किलो टिंडा ले लिए हैं। अमरूद की तरह होता है, चिकना चिकना, हरा हरा, और ये आधा किलो है। यहाँ पर दो आलू ले लिए हैं और दो छोटी छोटी हम प्याज लिए हैं, एक मीडियम साइज के हम टमाटर ले लिए। टिंडा को छील के धो के फिर लंबे साइज में हम काट लेंगे। ऐसे ही आलू भी छील के हम धो के काट लेंगे। प्याज और टमाटर काट के रेडी करके सब सब्जी फिर आपसे चूल्हे के पास मिलते हैं। टिंडा ना फ्रेंड्स छोटा छोटा ही लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें बीज ना कम होता है। अब बड़ा बड़ा टिंडा में बड़ी बड़ी बीज होता है, जो खाने में अच्छा नहीं लगता है। सब्जी वाला भैया के पास यही टिंडा था तो इसलिए हमने ले लिया है। अभी तक टिंडा के सब्जी का रेसिपी हमने शेयर नहीं किया था, तो सोचे कि चलो बड़े से ही शेयर करते हैं। तो हम सब छील के रेडी करके फिर आपसे मिलते हैं। बहुत आसानी से छीला जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ कढ़ाई चढ़ा रखे हैं और यही डाल देंगे हम सरसों का तेल, है ना। की सब्जी बना रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, बहुत कम भी नहीं हो। बहुत कम हो जाएगा तो उसका स्वाद अलग बदल जाएगा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मुँह में तेल आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। यहीं पर लिए एक छोटी चम्मच जीरा, जीरा को डाल देते हैं ताकि फूट जाए। यही डाल देंगे हम तेजपात, है ना। जीरा फूट चुका है फ्रेंड्स, आँच को धीमा कर दिए हैं। और ये प्याज और टमाटर है वो भी डाल देंगे साथ में। फ्रेंड्स देखिए, प्याज और टमाटर ना हल्का सॉफ्ट हो चुका है। हल्का सा सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं सॉफ्ट करना है, ना इसे थूरना है, है ना। हल्का सॉफ्ट हो चुका है। यहीं पर डाल देंगे हम टिंडा, टिंडा और आलू दोनों काट लिए हैं। और टेस्ट में लौकी की तरह लगता है फ्रेंड्स, लेकिन ये काफ़ी फायदेमंद होता है। यहीं पर डाल देंगे हम टिंडा और आलू साथ में दोनों, और एक बूंद हम इस पे पानी नहीं डालेंगे। बड़ी टिंडा अगर आप ले लिए मेरे तरह तो आप बीज इसका निकाल दीजिएगा, निकल जाता है बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती है। बीज मुंह में आता है ना खाने में तो अच्छा नहीं लगता है। यहीं पर डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, है ना, हल्दी पाउडर। यहीं डाल देंगे धनिया, जीरा और काली मिर्च का पाउडर, सब छोटी छोटी चम्मच से हम डाल रहे हैं। मसालेदार बनाएंगे, पराठे को सब खाने में बहुत अच्छा लगता है। यही डाल देंगे गरम मसाला, यही डाल देंगे तीखी मिर्च। ये टेस्ट अकॉर्डिंग जाएगा फ्रेंड्स, है ना। थोड़ा चटक ही बनाइएगा, चटक ही खाने में अच्छा लगता है। टिंडा और आलू डाल दिए हैं फ्रेंड्स, टिंडा में काफ़ी बीज हो गया था तो बहुत सारा बीज हम निकाल दिए। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत सारे के बीज हम निकाल दिए हैं। और जो छोटा छोटा बीज होता है वो गल जाता है, बहुत बड़ा बड़ा बीज गलता नहीं है, मुँह में खाने में आता है जो अच्छा नहीं लगता है। अब इसे ढक ढक के हम पकाएंगे, अब कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा, काफ़ी ये चटक बनता है फ्रेंड्स, है ना। बच्चे बड़ी आसानी से खा लेते हैं। अब इसे ढक देते हैं, ढक के आंच धीमा करके इसको गला देंगे, क्योंकि इसमें पानी नहीं डालेंगे। पानी डालेंगे ना तो अलग स्वाद हो जाएगा, तो वो सूखी सब्जी नहीं होगा। बिहार में इसे भुजिया कहते हैं हम लोग। फ्रेंड्स अब खोल के हम देखते हैं, बीच बीच में हम चलाए हैं कई बार और ढक कर ही पका रहे हैं, पानी बिल्कुल नहीं डाले हैं, ताज़ा था ना फ्रेंड्स। और धीमी आंच पर पकाइएगा तो बहुत अच्छे से गल जाता है, एक बूंद पानी नहीं डाले हैं। और चारों तरफ से ये पक गया है, एक टिंडा भी निकाल लेते हैं फ्रेंड्स और एक आलू भी निकाल लेते हैं। जो मोटा वाला हो वही निकाल लीजिएगा। देखिए टिंडा गल गया है, देख रहे हैं, आलू भी गल गया है।
अब इसमें कुछ नहीं करना है। अगर धनिया पत्ती है आपके पास तो डाल दीजिए, और नहीं तो ऐसे ही खा सकते हैं। हमारे पास धनिया पत्ती नहीं है फ्रेंड्स, तो हम ऐसे ही खाएंगे। धनिया पत्ती आजकल नहीं मिल रहा है मार्केट में भी, और लाइए तो एक ही दिन में वो सूख जाता है। इसको ढक देते हैं, हो गया सूखी सब्जी टिंडा आलू के तैयार हो गया फ्रेंड्स। सब्जी उतार के लिए आए हैं, अब खोल के हम सर्व कर लेते हैं। देखिए कितना सुंदर सब्जी तैयार हुआ है, सुंदर के साथ साथ ये काफ़ी स्वादिष्ट भी है फ्रेंड्स, है ना। तो चला के हम दिखा रहे हैं, देखिए ना बहुत ज़्यादा तेल है और ना बहुत ज़्यादा कम है, ठीक ठीक तेल हम डाले हैं। और कितना टिंडा था फ्रेंड्स और गल गया है, बहुत स्वादिष्ट इसमें से खुशबू आ रही है। गर्मा गर्म पराठा के साथ इसे खाइएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा, एक बार खा कर देखिएगा हूबहू। और बहुत आसान तरीका से हम आपको बताए हैं, कोई झंझट नहीं है। अब चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। टिंडा के सब्जी है फ्रेंड्स, रोटी के साथ, चावल के साथ, या गर्मा गर्म पराठा पूड़ी सबके साथ अच्छा लगता है। टिंडा खाना बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, हूबहू लौकी के स्वाद की तरह ये लगता है। हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा टिंडा खाया जाता है, तो हम लोग हमेशा इसी तरह सूखी सब्जी ज़्यादा हमारे यहाँ डिमांड होता है सूखी सब्जी के। दाल चावल के साथ खाइए या ऐसे भी खा सकते हैं, है ना। और थोड़ा बहुत मसाला डाल दिए हैं सो और चटपटा ये बन गया है। आप भी इसी तरह बनाइएगा फ्रेंड्स, एक बार बनाकर खाइएगा ना हूबहू मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए, यकीन मानिए फैन बन जाइएगा। इसी तरह आप भी बनाकर हमेशा खाइएगा। और ये सूखी सब्जी है फ्रेंड्स, रोटी चावल सबके साथ अच्छा लगता है, बच्चे बड़े बूढ़े सब मांग कर इसे खाना बहुत पसंद करेंगे। आप भी तैयार कीजिए हूबहू मेरी वीडियो देखकर, देखिएगा जो टिंडा आज के बाद से नहीं खाता होगा ना तो ये रेसिपी बनाकर खिलाइएगा ना तो फैन बन जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे इसी तरह एक मज़ेदार से रेसिपी लेकर, तब तक के लिए राधे राधे। फ्रेंड जाते जाते लाइक तो करते जाइए, इतना देर तक मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। कैसी लगी ये टिंडा आलू की सूखी सब्जी फ्रेंड्स, आप कब बना रहे ये भी कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। एक बार बनाकर तो खाना बनता है, चटपटी टिंडा आलू की सब्जी हमने तैयार किया है, आप भी बनाइए प्लीज़।